महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर में फैली ये महामारी से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में अमेरिका ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में इसके खिलाफ जंग छेड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश में 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। दुनिया भर से हर 5 घंटे में 10,000 केस सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस ने अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है। बड़े बड़े देशों की सड़कें आज वीरान पड़ी है। अमेरिका भी कोरोना वायरस का केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका में अब तक 82,404 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये आंकड़ा अमेरिकी समय के मुताबिक गुरुवार शाम 6 बजे तक का है। रिपोर्ट के बाद न्यूयॉर्क कोरोना वायरस का केंद्र बिंदु बन गया है। न्यूयॉर्क में 37,802 केस सामने आए हैं। न्यूजर्सी में 6,876 और कैलिफोर्निया में 3,802 केस दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 1,178 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन इटली के बाद स्पेन कोरोना वायरस का केंद्र बन गया है। यहाँ मौत का आंकड़ा 4,090 तक पहुँच गया है। यहाँ की सरकार को इस संक्रमण को रोकने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। इसके चलते सरकार को होटलों और अस्पतालों में मैड्रिड के आइस रिंक के अस्थायी कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़ा है। इटली में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 6,153 नए मामले सामने आए हैं। इटली में वायरस से संक्रमण के मामले 80,539 हो गए हैं, जो लगभग चीन के बराबर है। वहीं इटली में इससे 662 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान कोरोना वायरस के साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने इससे निपटने के लिए बहुपक्षीय ऋणदाताओं से $3.7 अरब का अतिरिक्त ऋण मांगा है। पाकिस्तान में अब तक 1,100 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 9 लोगों की मौत हो गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।